दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रजा, आप सभी का स्वागत करता हूं फिक्स स्नैपशॉट के बिल्कुल फ्रेश एपिसोड में। तो दोस्तों, यहां पर जब से आरबीआई का बैन हमारे पास आया हुआ है तब से सभी एक्सचेंजेस कुछ ना कुछ करने में लगे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर निकल आया है वजीर एक्स, जिन्होंने लॉन्च कर दिया P2P नेटवर्क। और उन्हीं के साथ साथ दोस्तों यहां पे कॉइनेक्स ने भी लॉन्च कर दिया था P2P नेटवर्क, जिसको उन्होंने नाम दिया था कॉइनेक्स लूप के नाम से। लेकिन दोस्तों, P2P नेटवर्क में एक छोटा सा मतलब इशू है जो कि आप सभी जानते हैं। ऐसे लोकल बिटकॉइन के ऊपर कभी आपने सेल करा होगा कि आपको बायर और सेलर के थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, थोड़ी सी हैजल वहाँ पे हो जाती है। लेकिन जब हम पहले विड्रॉल लेते थे, सारी चीज़ें करते थे डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू बैंक में, तो हम लोगों को सिर्फ ये करना होता था, बैंक की डिटेल्स डाल दी और विड्रॉल ले लिया। तो दोस्तों, इसी की लाइन में लगकर BitBNS भी यहाँ पर एक नया तरीका लेकर आया है विड्रॉल करने के लिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। BitBNS ने दोस्तों अभी थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचा है चीज़ों को और एक नई चीज़ हम लोगों के लिए लेके आया है, जिससे शायद RBI के ऊपर बैन नहीं लगता और उनके जो भी लीगल फर्म होगी उन्होंने भी उनको यही कंसल्ट किया होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो हल्का सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें बताने वाली चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और आप किस तरह विड्रॉल ले पाएंगे वो प्रॉपरली यहाँ पे समझिएगा, और 2 या 3 क्लिक मैक्सिमम लगेंगे आपको यहाँ पे विड्रॉल लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं हमारी स्क्रीन पे आ गया और आप देख सकते हैं BitBNS की साइट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। और दोस्तों, अगर आप में से किसी को नहीं पता BitBNS क्या है, तो BitBNS एक इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है, एक एक्सचेंज है, जहाँ पे कि आप 61 डिजिटल असेट के अंदर बाय और सेल कर सकते हैं। आप इनके डिजिटल असेट्स यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पर अभी US RAM भी ट्रेड हो रही है बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस के अंदर 0.11, तो आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और अदर एक्सचेंज पे नहीं मिलेंगे, तो आप उनको भी ट्रेड कर सकते हैं। और इसका जो वॉल्यूम होता है कॉइन के मार्केट के अंदर देखा जाए तो 100 बिटकॉइन का पर डे का यहाँ पे वॉल्यूम रहता है, तो आपको उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। बाकी नया एक्सचेंज अगर आप करना चाहें तो आपको रिफर लिंक नीचे मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनका जो विड्रॉल टाइप है आप सभी जानते हैं, यहाँ से हम लोग ट्रेड करते हैं, साइन करते हैं, रिसीव करते हैं, विड्रॉल्स जो हमारे होते थे वो है। इसके साथ में इन्होंने दोस्तों यहाँ पे फिएट आइनियर वॉलेट का एक नया एक ऑप्शन जोड़ दिया है, जिसके अंदर आपको देखेगा ऐड मनी टू वॉलेट। ये ऑप्शन पहले यहाँ पे नहीं था, ये अभी नया नया ऑप्शन यहाँ पे जोड़ा है। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप हो जाएंगे कुछ इस तरीके के पेज पे और यहाँ पर आपको मिलेगा बिट फॉरेक्स। अब ये जो बिट फॉरेक्स है दोस्तों, ये इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, इन्हीं की खुद की कंपनी है जहाँ पर ये कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो ये आपको उसके थ्रू हम यहाँ पे पैसा देंगे। तो दोस्तों, ये उसकी कंपनी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा BitBNS कंपनी है और यहाँ से ही आपको सारी की सारा पैसा मिलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है। अब RBI के बैन के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एक्सचेंज के साथ यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता, मतलब INR से क्रिप्टो करेंसी बाय नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे वजीर एक्स और कॉइनेक्स ने क्या यूज़ करा, पीयर टू पीयर लिया, क्योंकि वो चीज़ अलाउ है इंडिया में और वो लीगल भी तरीका है कि आप पीयर टू पीयर शेयर कर दूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर BitBNS ने क्या करा है, बिट फॉरेक्स जो इनकी खुद की एक सब्सिडरी साइट है उसके ऊपर ये लोग वाउचर्स ले आए हैं और आपका जो भी फंड है वो आप यहाँ से निकाल के वाउचर के थ्रू वहाँ पे ले जा सकते हो और UPI के थ्रू डिपॉजिट प्लस विड्रॉल कर सकते हो। और इस पर भी कोई इशू नहीं है क्योंकि वाउचर्स और किसी थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पे हो रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल तरीकों की, जैसे हम स्क्रीन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमको 15% 20% तक के चार्जेस देने पड़ते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क में भी थोड़ा सा हैसल्स है, लेकिन ये थोड़ा सा एक हैसल फ्री तरीका ये लोग लेके आए हैं आउट ऑफ बॉक्स जाके। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, और साथ ही साथ ये लोग वर्क कर रहे हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन के साथ भी फ्यूचर में आने के लिए, ताकि उनके साथ भी यहाँ पे वाउचर की पार्टनरशिप हो पाए और आपको और भी एक वाइड वैरायटी मिल जाए आपके पैसे को विड्रॉल और डिपॉजिट करने के लिए भी। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस से आप इनको पढ़ सकते हैं प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट करना है और किस तरीके से आप क्रेडिट कर सकते हैं, किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर एक आईडी आपकी होगी इस बॉक्स के अंदर, यहाँ पर होती है आईडी INPLUS करके, तो वो फिलहाल में दोस्तों मैंने हाइड कर रखी है क्योंकि वो मेरी खुद की आईडी पर्सनल आईडी है, तो उसको आपको कॉपी करना होगा और वाउचर के टाइम पर डालना होगा। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ।
सबसे पहले दोस्तों आपका आना होगा यहाँ पे बिट फॉरेक्स की साइट पे और आपको यहाँ से कर लेना होगा रजिस्ट्रेशन। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ यहाँ पे, आपको सेम आईडी से रजिस्टर करना है, आप डिफरेंट आईडी से भी कर सकते हैं, पर सेम आईडी से करेंगे तो बिट बीएनएस को लोकेट करने के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उसके दोस्तों जब आप इसके ऊपर साइनअप करेंगे तो आपके पास एक वेरीफिकेशन आपके मेल आईडी पे और एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, जो कि आपके पास दोनों एट अ टाइम पे चालू होना जरूरी है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर का जो ये सेक्शन है यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे वाउचर पे क्लिक करना है। वाउचर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप कुछ इस तरीके के पेज पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे साइन वाउचर, रिडीम वाउचर और रिक्वेस्ट ऑफ वाउचर। तो दोस्तों जब भी आपको कोई पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर यूपीआई के थ्रू इसके अंदर पैसा डिपॉजिट कर देंगे अपना बैंक अकाउंट देके, जैसे कि आप अमेजोन पे करते हैं, फ्लिपकार्ट पे करते हैं, किसी भी एक वेबसाइट के थ्रू आपको पैसा यहाँ पे डालना है और उसके बाद करना है आपको सेंड वाउचर पे क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पे आना होगा आपको जनरेट वाउचर के ऊपर और आप जैसे यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं, फिलहाल में यहाँ पे कोई मिनिमम ऐसा फीस नहीं है कि आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना विड्रॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप 20,000 यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं, आप 20,000 डालेंगे, आपकी रिसिप्ट मेल आई आप यहां पे डालेंगे जो भी आपने मेल आईडी बनाई और आप जनरेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। जनरेट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे टोटल बैलेंस आपका पहले से दिख रहा होगा और यहां पे सारी चीजें आ जाएंगी और आपके पास कुछ वाउचर्स आ जाएंगे, उन वाउचर को आपको रिडीम करना होगा और आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं और उनकी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। और वो जितना भी आपका पैसा होगा जो भी आप डिपॉजिट करेंगे वो आपका क्रिप्टो की इस वॉलेट के अंदर यहाँ पर शो करने लगेगा कि आपने इतने के वाउचर लिए थे और उसका पैसा यहाँ पे आ गया है। अब जब आप विड्रॉल करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपको अपनी एक आईडी है, एक ईमेल आईडी जो है ये वाली ईमेल आईडी वहाँ पे डालनी है, इसको सब्सिडरी ईमेल आईडी कहते हैं, मतलब जब आप जनरेट करते हैं तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी डालनी होगी वो आपको ईमेल आईडी ये वाली डालनी होगी। तो जब आप दूसरे से विड्रॉल करेंगे तो आपको जाना है जनरेट वाउचर के ऊपर और एंटर करना है आइनर का अमाउंट जो भी आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, सेम तरीका है दोनों के और कपल ऑफ मिनट में आप पूरा पूरा यहाँ पे काम कर लेंगे। अब वैसे दोस्तों आप रिक्वेस्ट वाउचर करेंगे तो ये आपका जो वाउचर है वो आपकी रिसिप्ट आईडी जितना भी अमाउंट है आप उसमें जाके यहाँ से कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ इसका एक लाइव वीडियो यहाँ पे लेकर आने का ताकि आप सभी लोगों के लिए हेल्प हो जाए अगर बिट बीएनएस थोड़ा सा कर पाता है। सो आई होप दोस्तों ये बिट बीएनएस का तरीका आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, कुछ नया कुछ यूनिक करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा मुझे ये हैजल टाइप का तो लग रहा है क्योंकि वाउचर को रिडीम करना ही करना, पर अगर आप लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर ऐसे वाउचर्स रिडीम करते रहते तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी वे है। और कुछ टाइम में इसका एक लाइव प्रूफ भी लेके आते हैं अगर पॉसिबल हो पाता है तो, नहीं तो अभी बहुत सारी चीज़ें और भी आने बाकी है, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि ज़ैप यहाँ पे क्या लेकर आता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आगे पसंद तो कर दीजिएगा लाइक, नहीं आए तो कर दिया डिसलाइक। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम वहाँ पे 24/7 वहाँ पे चैट कर सकते हैं, साथ साथ हमारे अदर मेंबर के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं जो कुछ अच्छा वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो बस दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।